बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी बाइक का इंजन ऑयल बार बार कम हो रहा हो, सिलेंसर से वाइट या ब्लैक स्मोक आ रहा हो, इंजन से एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हो, तो समझ लीजिएगा उस बाइक का रिंग पिस्टन हेड के वाल्व और टाइमिंग चैन का काम होने वाला है। ये बाइक आप देख रहे हैं होंडा CB 150F है। कस्टमर का ये कहना है कि इस बाइक की फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब है, बाइक चलते चलते बंद हो जाती थी, बाइक की पिकअप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इंजन से ऑयल कम हो जाता था। तो हमारे पास जब ये बाइक आई है, हमने इसको टेस्ट किया, तो हमने कस्टमर को बताया कि आपकी बाइक का रिंग पिस्टन हेड के वाल्व और टाइमिंग चैन का इशू है। तो कस्टमर ने कहा जी इस बाइक पे कितना एक्सपेंस आएगा। उनको हमने एक एस्टिमेट दिया, रफ़ी आइडिया दिया, तो वो कितना एक्सपेंस का आइडिया था और कितना खर्चा आया है उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। किस कंपनी का हमने सामान डाला है इस बाइक में, हेड सिलेंडर का काम किस तरह से किया जाता है। अगर आप खुद ये काम नहीं करना चाहते, इवन कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस बाइक का काम करवाया किस तरह से जाता है, जिस मैकेनिक से आप इस बाइक का काम करवाएंगे तो वो जो काम कर रहा है वो क्या आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा, तो आपको सारी डिटेल बताएंगे, आपको बाइक का काम करवाने का तरीका कार भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी बाइक का काम करवा सकते हैं, हेड सिलेंडर का, इंजन का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो है, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। एक एक चीज़ की कंप्लीट डिटेल आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले जिस बाइक में भी ये इशू हो कि बाइक का इंजन ऑयल कम हो रहा हो, स्मोक आ रहा हो, फ्यूल एवरेज डिस्टर्ब हो, पिकअप डिस्टर्ब हो, तो आपने किसी अच्छे मैकेनिक को अपनी बाइक ज़रूर चेक करवा लेनी है। मैकेनिक के मशवरे के बाद फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी बाइक में जो मैकेनिक ये मसले बता रहा है क्या वो प्रॉब्लम्स हैं। अगर जो हो तो आप मैकेनिक को बोलें कि आप मेरी बाइक का काम स्टार्ट करें, और सबसे पहले आप एक एस्टीमेट ज़रूर लें। आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक के माइंड के हिसाब से कि आपकी बाइक पर कितना ख़र्चा आएगा जेन्युइन सामान के साथ, उसके बाद ही आपने बाइक का काम स्टार्ट करवाना है। तो इस बाइक का हेड सिलेंडर हमने खोल लिया है, इसके हेड के वाल्व की हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि वाल्व के अंदर पेट्रोल डाल के आपने चेक कर लेना है कि वाल्व लीक तो नहीं है। तो बड़ा वाल्व जो इनटेक वाल्व है उसके अंदर हमने पेट्रोल डाल के चेक किया, वो लीक नहीं था, और जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर हमने पेट्रोल डाला तो वाल्व बिल्कुल लीक हो रहा था, आप देख सकते हैं। यानी कि बाइक की पिकअप तो डिस्टर्ब इन वाल्व की वजह से है, फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब वाल्व की वजह से है, और बाइक जो बार बार बंद होती थी वो भी वाल्व की वजह से है। तो जो ब्लैक कलर का स्मोक आ रहा था जो आपने वीडियो के शुरू में देखा, वो भी वाल्व की वजह से ही था। उसके बाद जो वाइट स्मोक है, इंजन ऑयल कम हो जाता है, वो पिस्टन किट का इशू था, और जो इंजन से आवाज़ें आ रही थी, एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही थी, वो टाइमिंग चैन का इशू था। तो ये सारी चीज़ें हमने इसी वीडियो में रिप्लेस करनी है। अभी आप देख सकते हैं, बेहतर तो ये है कि आप सिलेंडर किट न्यू डाल दें होंडा CB 150F की, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप चेक कर लें, पिस्टन की कंडीशन ठीक हो तो सिर्फ रिंग्स तब्दील कर दें, अगर पिस्टन डैमेज हो तो फिर आपने पिस्टन किट ही तब्दील करनी है। सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, सिलेंडर की बोरिंग करवाई है, 50 नंबर का जेन्युइन पिस्टन हमने इस बाइक में डाल दिया है, इसकी जेन्युइन गैस्केट डाल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक सिलेंडर का ओरिजिनल जैन है इसका, इसका टॉप कवर का रिंग है, उसका गैस्केट पहले वाला भी आप चेक कर सकते हैं, पहले वाला गैस्केट हम नहीं डाल रहे हैं, हमने गैस्केट और जैन दोनों तब्दील कर देने हैं, और दोनों होंडा के ओरिजिनल ही डाल रहे हैं हम। और इसका हमने प्लग भी रिप्लेस करना है, उसकी वजह यह है कि जब भी बाइक में स्मोक का इशू हो तो प्लग आप ज़रूर रिप्लेस करें जब भी आप हेड सिलेंडर का काम करवाएं। और अब जो हम इसमें प्लग डाल रहे हैं वो जी पावर का डाल रहे हैं, वो भी NGK का ही है। आप डिपेंडेड है, आप चाहें ओरिजिनल प्लग डालें, आप चाहें NGK का डालें। यह है इसकी ओरिजिनल पिस्टन किट। होंडा CB 150F में दो किस्म के पार्ट्स आते हैं, होते दोनों ही जेन्युइन ही हैं, एक थाईलैंड का और एक आपको होंडा का जो मीडियन चैन होता है। दोनों पिस्टन की कंडीशन आप देख सकते हैं, पहले वाले पिस्टन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, तो हमने पिस्टन भी रिप्लेस कर दिया, इसके हेड के वाल्व भी रिप्लेस कर दिए, और भी छोटी मोटी काफ़ी सारी आइटमें थी जो हमने इस बाइक की रिप्लेस की हैं। जब भी आप बाइक का हेड सिलेंडर खुलवाएँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिप्लेस लाजमी ही होती हैं। अभी बारी है पिस्टन के रिंग्स डालने की। रिंग्स डालने से पहले आपने पिस्टन का एक साइड का लॉक डाल लेना है, जो साइड आपको इजी लगे। उसके बाद जो पिस्टन के न्यू रिंग हैं उनको आपने सिलेंडर ब्लॉक के अंदर डालकर चेक कर लेना है, क्या जो पिस्टन के रिंग हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं,
कोई ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर पिस्टन के रिंग ज़्यादा टाइट हों तो तब भी बाइक सीज हो सकती है, पिस्टन सीज हो सकता है, बहुत ज़्यादा बाइक ओवरहीट होगी। अगर पिस्टन के रिंग बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर आप पिस्टन के अंदर रिंग्स को फिट करके बाइक के अंदर पिस्टन किट, सिलेंडर किट इंस्टॉल कर सकते हैं। होंडा CB150F के पिस्टन के रिंग भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से इंस्टॉल होते हैं जिस तरह होंडा CG125 के होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। और पिस्टन के रिंग डालने के रिलेटेड बहुत ही डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, रिंग किस धात के बने होते हैं, पिस्टन किस धात के बने होते हैं, रिंग पिस्टन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और रिंग पिस्टन के अंदर फिट करने के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बताया गया है कि पिस्टन के अंदर रिंग किस तरह से फ़िट किए जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं पिस्टन के अंदर रिंग्स फ़िट हो चुके हैं, रिंग्स को आपने ऑपोजिट साइड पर ही रखना है। तो अभी बात कर लेते हैं हेड के वाल्स की। हेड के वाल्स अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, हेड के वाल्स आप जेन्युइन क्वालिटी के ही यूज़ करें, होंडा CB150F के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। न्यू वाल लेने के बाद आपको खरादिए के पास जाना पड़ेगा, न्यू वाल्स ओवर साइज़ के डालने पड़ते हैं, जिस तरह पिस्टन 0 से 50 नंबर का होता है इसी तरह वाल्स भी ओवर साइज़ के होते हैं। खरादिया उन वाल्स को गैड्स के हिसाब से एडजस्ट कर देता है, वाल्स की सीट बना देता है ताकि वाल्स लीक ना हो। तो वाल्स की सीलें आपने अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल ही यूज़ करनी है, दोनों वाल्स की सीलों को लुब्रिकेट करके आपने वाल्स के अंदर फिट कर देना है। वाल्स सीलें फिट करने से पहले नीचे आपने स्प्रिंग के नीचे वाशल भी रखनी है। तो स्प्रिंग की क्लोज साइड आप देख सकते हैं, जो क्लोज साइड होगी स्प्रिंग की वो आपने नीचे वाली साइड पर रखनी है और जो लूज साइड होगी वो आपने ऊपर वाली साइड पर रखनी है। और उसके बाद आपने दोनों कार्टर्स को फिट कर लेना है वाल लिफ्टर की मदद से। हेड के रिलेटेड भी बहुत ही डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, छंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी। हेड के वाल्स और पिस्टन के अंदर रिंग इंस्टॉल करने के बाद बारी आ जाती है टाइमिंग चैन फिट करने की। तो अभी हम दोनों टाइमिंग चैनों को कंपेयर कर लेते हैं, न्यू और ओल्ड। अभी आप देख सकते हैं न्यू जो टाइमिंग चैन है वो टाइट है और जो पहले वाली टाइमिंग चैन है वो लूज़ है, इसी वजह से ही आवाज़ कर रही थी। टाइमिंग चैन को एडजस्ट करने के लिए वैसे तो ऑटोमेटिक एडजस्टर लगा होता है, वो जब टाइमिंग चैन लूज़ होती है खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है और आवाज़ नहीं आती, और जब टाइमिंग चैन की आवाज़ आने लगती है तो समझ लीजिएगा कि एडजस्टर का एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, अभी टाइमिंग चैन रिप्लेस होनी है। तो टाइमिंग चैन फिट कर लेनी है, स्लाइड आपने फ़िट कर लेनी है, उसके बाद आपने सिलेंडर का जैन लगा लेना है, सिलेंडर का जैन लगाने के बाद पिस्टन फिट करना है। पिस्टन के ऊपर आप देख सकते हैं दो कट हैं, एक बड़ा साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का। जो बड़े साइज़ का कट है वो कार्बोरेटर वाली साइड पे आएगा, जो छोटे साइज़ का कट है वो सिलेंसर वाली साइड पे आएगा। उसके बाद पिस्टन की पिन को लुब्रिकेट करके कंडक्टिंग रॉड के साथ अटैच कर आपने लॉक लगा देना है, और सिलेंडर ब्लॉक लगाने से पहले आपने पिस्टन के रिंग्स के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है। हल्का हल्का ऑयल लगाकर लुब्रिकेट करने के बाद सिलेंडर ब्लॉक आपने इंजन के साथ फिट कर देना है, और पिस्टन को सिलेंडर ब्लॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा एहतियात से आपने फ़िट करना है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो पिस्टन के रिंग टेढ़े हो सकते हैं और डैमेज हो सकते हैं। पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक को इंजन के साथ फिट करने के बाद आपने मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट लगाने के बाद आपने पिस्टन को 2 से 3 मरतबा वर्किंग दे के चेक कर लेना है कि पिस्टन ज़्यादा टाइट तो आपको फील नहीं हो रहा। उसके बाद दोनों डावर्स लगा देनी है। डावर्स लगाने के बाद आपने हेड गैस्केट लगाना है, और हेड गैस्केट आप ओरिजिनल ही यूज़ करेंगे। हेड गैस्केट लगाने से पहले आपने स्लाइड लगा लेनी है। स्लाइड बिल्कुल इस जगह पर एडजस्ट होनी चाहिए जिस जगह आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर उकास स्लाइड फिट करते हुए स्लाइड आगे पीछे हो जाती है और बाद में टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा इशू करती है। उसके बाद हेड गैस्केट लगा लेना है। हेड गैस्केट लगाने के बाद हेड को आपने इंजन के साथ फिट कर देना है, और हेड के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल इजीली अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद राकर पट्टी लगानी है। राकर पट्टी लगाने से पहले आपने केम के बैरिंग को लुब्रिकेट कर लेना है, ऑयल लगा लेना है, और राकर पट्टी की नीचे वाली जो साइड है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, कोई कचरा वगैरह ना लगा हो। और उसके बाद आपने हेड के ऊपर इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर ऊपर वाले बोल्ट विद वाशर्स आपने लगा देने हैं। 4 अदद बोल्ट्स होंगे और 4 अदद वाशर्स होगी, चारों को आपने बारी बारी लगा कर अच्छी तरह टाइट कर देना है।
टॉप बोल्ट्स टाइट करने से पहले साइड के दो 10 नंबर के लंबे बोल्ट्स होते हैं उनको भी आपने लगा लेना है, उनको टाइट नहीं करना। पहले आपने टॉप के चारों बोल्ट्स को टाइट करना है स्टड वाले, उसके बाद साइड वाले दो बोल्ट्स को टाइट करना है। मखसूस टॉर्क के मुताबिक आपने सारे बोल्ट्स को टाइट कर लेना है, उसके बाद आपने टाइमिंग एडजस्ट करनी है। होंडा CB150F के रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स कन्फ्यूज थे कि इसकी टाइमिंग पहले कट पे एडजस्ट होती है या मैग्नेट के ऊपर जो दूसरा मार्क लगा होता है उस पे एडजस्ट होती है। जो पहला मार्क लगा हुआ है उसके ऊपर भी एक मार्क लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और इंजन केस के ऊपर भी एक मार्क है, उस मार्क के बराबर आपने टाइमिंग को एडजस्ट करना है। अभी आपने देखा कि टाइमिंग थोड़ी सी आउट थी तो हमने एक टीक जो है वो घुमाया है स्प्रॉकेट का, तो अभी टाइमिंग आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। उसके बाद आपने टाइमिंग स्प्रॉकेट के दोनों बोल्ट्स लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है और टाइमिंग बिल्कुल अपनी जगह पर एडजस्ट हो गई है परफेक्ट तरीके से। टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद आपने मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट लगाने का जो मेन तरीकेकार है, मैग्नेट के अंदर आपने बैरिंग लगाना है। बैरिंग लगाने के बाद मैग्नेट को क्रैंक शाफ्ट के ऊपर अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। एक अदद प्लेन वाशर होगी और उसका नट होगा। नट आप अगर गन के साथ टाइट करेंगे तो मैग्नेट होल्डर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप किसी पाने से या गोटी से ऐसे ही खोलेंगे तो फिर आपको मैग्नेट होल्डर की ज़रूरत पेश आएगी। उसके बाद ये वाली जो ड्राइवर है आपने इसको लगाना है। इस ड्राइवर का बेसिकली मकसद ये है कि सलफ भी इसी के साथ अटैच है और मैग्नेट भी इसी के साथ अटैच है। जब आप सलफ का बटन प्रेस करेंगे तो सलफ इस ड्राइवर को घुमाएगा और ये जो ड्राइवर है इसने मैग्नेट को घुमाना है और इंजन इस तरह स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है टाइमिंग एडजस्टर को फिट करने की। तो टाइमिंग एडजस्टर का गैस्केट भी आपने ज़रूर रख लेना है। उसके बाद आपने टाइमिंग एडजस्टर के ऊपर एक आरजी हमने जो टूल बनाया है उसकी मदद से टाइमिंग एडजस्टर को आपने ऊपर की तरफ खींच लेना है और फिर आपने दोनों बोल्ट्स लगाकर अच्छी तरह टाइमिंग एडजस्टर को टाइट कर देना है। और टाइमिंग एडजस्टर भी फिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर भी एक छोटा सा एल की बोल्ट लगता है, उसके अंदर एक रबड़ का रिंग होता है, वो भी आपने फिट कर लेना है। कार्बोरेटर हड्डी के बोल्ट्स भी टाइट हो चुके हैं। प्लग भी हमने जी पावर का लगा दिया है। उसके बाद मैग्नेट कवर हमने लगाना है और मैग्नेट कवर का जो जैन था वो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हमने पहले वाले जैन के ऊपर ही शलग लगाकर उसको फिट कर दिया है ताकि लीकेज का कोई किसी किस्म का चांस ना हो। मैग्नेट कवर के सारे बोल्ट्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद इंजन ऑयल की बारी आ जाती है। इंजन ऑयल आप देख सकते हैं होंडा CB150F के लिए 10-30 इंजन ऑयल ही होता है और 10-30 इंजन ऑयल ही आपने डालना है। उसके बाद आपने टैपर्स एडजस्ट करने हैं। होंडा CB150F के जो टैपर्स एडजस्ट होते हैं, जो इनटेक टैपर्स एडजस्ट है उसकी 0.010 mm फिलर गेज के साथ आपने टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है, और जो एग्जॉस्ट टैपर्स एडजस्ट करना है आपने वो 0.012 mm के फिलर गेज के हिसाब से करनी है। तो सारा काम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइक को स्टार्ट किया। बाइक बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट भी हुई और ऑयल पंप भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। टॉप कवर लगा देना है। अभी बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। इस बाइक पे जो टोटली एक्सपेंस आए हैं, टाइमिंग चैन, रिंग पिस्टन, हेड के वाज और इसकी गैसकेट वगैरह, ऑलमोस्ट 21,000 रुपये खर्चा आया है इस बाइक पर। होंडा CB150F के जो पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, इसीलिए इस बाइक पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।